गांव में रहते हैं तो आपको इस तरह की रास्ते में चलना तो पड़ेगा मेरी जान। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग्स मैं बना रहा हूँ अपने गांव का। तो आज मैं आ चुके हूँ अपन गांव में। तो आज के ब्लॉग से हमारे गांव के देख सकत हो चारों तरफ धान के खेती करी ने। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं रोड में। ये रोड जो कि हमारे गांव यानी कि कमतरा से सहसपुर जाता है। एंड जस्ट अभी पानी गिर के छूटा है फिर मैं निकला हूं घर से। तो आप लोग इधर वेदर चेक कर सकते हैं। आई थिंक हमारे बहुत सारे व्यूअर लोगों को छत्तीसगढ़ी नहीं आता होगा, तो हिंदी ब्लॉग से भी होगा अपना गाइस। अपना ब्लॉग से हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों में होगा। एंड मैं हूँ अपने गाँव में यानी कि मेरे गाँव का नाम कमतरा है, जो घरघोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आता है और घरघोड़ा ब्लॉक का लास्ट पंचायत है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेत साइड। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना खेत, क्या फसल लगाए हैं दिखाता हूँ। इस साइड लगाए हैं उरीद वगैरह, उराद बोलते हैं जिसको। और जब मैं महुआ बीनने आया था तो ये है हमारा महुआ का पेड़। एंड उधर है तो उधर ही हम लोगों का खेत भी है। लोग देख सकते हैं सबके खेत में जो धान में बंद रहता है यानी कि घास रहता है उसको निकालने के लिए सब लोग आए हुए हैं। जितने भी महिलाएं लोग रहते हैं वो अपना अपना करते हैं। और इस जगह को बोलते हैं ऊपरक मोड़ा बोलते हैं हम लोग, ऊपर मोड़ा यानी कि। और ये वाला पानी अभी बरसात का पानी है तो इतना साफ़ नहीं हुआ है। और ये जब साफ़ रहता है ना थोड़ा गर्मी के टाइम, हम लोग यहाँ बहुत नहाए हैं जब हम छोटे छोटे थे, बच्चे लोग थे ना, बच्चे थे उस टाइम यहाँ पर आते थे, फुल नहाते थे, मज़ा आता था। अभी तो ये बड़ा हो गया, पहले यहाँ मस्त गड्ढा था तो हम लोग यहीं नहाते थे, अभी वो नीचे नहाने के लिए हैं। ये वाला अमरूद का पेड़ है, हम लोग बचपन में इसको बहुत खाए हैं, यहाँ आते थे और इसमें चढ़े रहते थे, मज़ा आता था। इस तरफ अपने टिकरा में बहुत सारे उरीद लगाए हैं, देख सकते हैं चाची लोगों का है। ये ऊपर वाला भी चाची लोगों का है, वो वाला हम लोगों का है। तो देख सकते हैं मूंगफली और उरीद दोनों लगाए हुए हैं। ये चाचा लोगों का है, वो लोग मूंगफली लगाए हैं, हम लोग मूंगफली इधर नहीं लगाते हैं। तो ये देख सकते हो हम लोगों का उरीद। और यहाँ को आया था मैं महुआ बीनने, जो कि अच्छा ब्लॉग्स बनाया था, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, उसको जस्ट फॉर फन के लिए बनाया था मैं। और मेरी मम्मी अभी बता रही है उस दिन हाथी आया था, वो अपने इधर भी आया था तो यहीं से पार हुआ एंड यहीं से फिर वापस हुआ। तो कहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो बड़ा बड़ा घास है, ये अपने धान में घास है। बचपन में कोई कोई इसमें नाम लिखे रहते थे, फलना ला फलना बोल के, हम लोग इसको बहुत सारा देखते थे। तो आप लोग देख सकते हैं जो हाथी आया था इधर से आया होगा, ये देख सकते हैं उसका पैर एंड यहाँ से होते हुए उधर गया होगा, देख सकते हैं आप फायर का निशान कितना बड़ा बड़ा है। तो गाइज एक बार मैंने अपना फैमिली पिकनिक दिखाया था जिसमें मैं आप लोगों को हमारे गांव का छोटा सा वाटरफॉल दिखाया था। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि बरसात के टाइम में कैसा दिख रहा है। वो जो मैं बोल रहा था उसको आप लोग देख सकते हैं, इधर ऐसे लिखे रहता था बचपन में तो हम लोग इसको देखते थे, जहाँ भी जाते थे ऐसा पेड़ दिखता था ना उसके, अब ऐसे ऐसे को हम लोग देखते थे, यहाँ पर कुछ कुछ नाम हम लिखाया रहता था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल बन रहा है और यहाँ पे जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, इधर से जाएंगे हम लोग। और गाइज मैं यहाँ खुल के बात नहीं कर सकता यानी कि कोई भी लोग देखेंगे तो ये पागल है बोलेंगे ना, इसलिए धीरे धीरे। तो गाइज आप ये वाला छोटा सा वाटरफॉल चेक कीजिए, बहुत सारा भी तो पानी भरा हुआ है। हम लोग गर्मी के टाइम आए थे, इसको झूझा बोलते हैं हमारे गांव के लोग। और एक बार आप इधर का चेक कीजिए कैसे दिख रहा है, एंड इधर तो बहुत पानी उतर रहा है, थोड़ा सामने से चल के देखते हैं ऊपर साइड से।
हम लोग बचपन में यहाँ गरी खेलने आते थे, यानी कि मछली बजाने आते थे, उसको हमारे भाषा में गरी खेलना बोलते हैं। तो यहाँ पे आते थे, मैं मछली खाता नहीं हूँ लेकिन शौक़ के लिए आता था, और हम लोग मछली पकड़ते थे यहाँ गरी में। और आप लोग यहाँ का चेक कर सकते हैं, कुछ ऐसा है, मस्त दिख रहा है, हैंडफुल पानी है। कुछ दिन पहले ज़्यादा बरसात के टाइम आया रहता ना, तो यहाँ औसम व्यू देखने को मिले रहता, मज़ा आ रहा था। आप लोग इधर चेक कर सकते हैं, मैं उधर गया था, उधर को उपरक मोड़ा बोलते हैं, इधर को खाल मोड़ा बोलते हैं। तो देखते हैं आगे साइड, उधर मस्त डैम बांधे हैं, और ये अभी नए नए बांधे हैं, मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ आज। इसको तो मैं देखा था, बाकी इसको नहीं देखा था, इसको मैं फर्स्ट बार देख रहा हूँ। तो चलते हैं थोड़ा पास से देखते हैं, छोटा सा डैम देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ का सीन। यहाँ मैं फर्स्ट बार आया हूँ, इसको मैं मतलब फर्स्ट बार देख रहा हूँ। यहाँ तो देखो किसका नाम लिखाया है, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार बनाए हैं, और अभी अभी बना है, अभी गर्मी का टाइम। तो चलिए चलते हैं घूमते फिरते, फिर इधर रोड तरफ से आए थे उधर तरफ अभी चलेंगे। और उधर है सूखा मुड़ा का डैम, और अभी जस्ट पानी गिर के ख़त्म हुआ है ना, तो वो वाला पहाड़ में धुआं निकल रहा है। अभी तक तो धान हो ही गए रहता है, लेकिन इस साल थोड़ा लेट है, पानी हुआ ना तो लेट में धान को लगाए हैं और बुने हैं, तो थोड़ा लेट में ही होगा। और चलिए चलते हैं ऊपर तरफ। गाँव में रहते हैं तो आपको इस तरह की रास्ते में चलना तो पड़ेगा मेरी जान। तो ये वाला खेत अपने गांव का क्रिकेट होम ग्राउंड है, जहां पे अभी धान लगाए हैं, और गर्मी के टाइम अपना बन जाता है क्रिकेट का मैदान। गांव में चल रहा अभी खेती का टाइम, तो आपको गांव के लोग अपने घर में कम और खेत में ज़्यादा दिखेंगे। मस्त बने स्विमिंग पूल का सन। पता क्यों रहा है नहाया होना है कहाँ था, मस्त है काल नहाया होना है। तो ये है हमारे गांव का शिव मंदिर। तो गाय जिसको बोलते हैं त्योरिया का फूल, ये मेहंदी का काम करता है गांव में, मतलब इसका पत्ती को निकाल के, इसका फूल निकाल के इसको पीस के इसको अपने पैर या हाथ में लगाते हैं, और मस्त मेहंदी जैसा लगता है। तो गाइस ये है हमारा फार्म हाउस, और यहाँ पे लगाए हैं भुट्टा यानी कि जंधरी, ये है करेला, और ये है आई थिंक हल्दी, ये हल्दी का है। और इधर है आम का पौधा, बांस का पौधा, इमली का पौधा, और इसमें सुबह सुबह होता है
खोखड़ी, पैरा खोखड़ी, पैरा पोटू बोलते हैं जिसे आप लोग, और करेला, दिस इज करेला एंड कड़वा कड़वा, कड़वा कड़वा मिठाई ये वाला, इसका स्वाद कड़वा कड़वा होता है। इधर लगाए हैं मूँगफली और अरहर दाल। तो ये है खीरा, और इसको उत्तराखंड में बोलते हैं ककड़ी, हमारे छत्तीसगढ़ में खीरा बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपना घर साइड, जो अपना बस्ती में घर है उधर चलते हैं। इधर लगाए हैं रमकेलिया, और इसको आप लोग देखिए, ये मोती जैसा दिखता है पूरा, और ऐसे करने से पूरा पानी निकल जाता है। क्या कहा था, क्या खा था आज? मिठाई। कैसी मिठाई है देखा? कितना आम है ऋतिक? खा दो। नहीं खा हमें किसने देखा खा था ऋतिक? हाँ राष्ट्रीय। कहाँ जा रहे हो आजी? कहाँ जा रहे हैं? इधर ना, पानी गिराता है जतिया, ऐसे पानी गिराते हैं अभी। तो ना डरवा, मोर गाड़ी हमारे घर पर है, हमारे घर पर है गाड़ी, थोड़े ही है। हाँ अंडा हम बना रहा था ना, वह करके जाते हैं चार्ज लगा रखो तो छिटा छिटा ला होता है, चार्ज लेकर कुछ लेकर घूमे मारते हैं, मिर्चा लगाते हैं चार्ज लगा छिटती है। तो हमारा अंडा पक गया, सिंपल गाँव में इसने बना था ना।